गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ आर न्यू एनाफिजियो क्लास इन विच टूडे वी विल स्टडी अबाउट द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ इंटरनल जेनिटेलिया, दैट इज फैलोपियन ट्यूब एंड ओवेरी। क्योंकि हमने कहा ना इंटरनल जेनिटेलिया भाई चार पार्ट से बना हुआ, वजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट एंड ओवेरी। तो हमने वजाइना पूरा पढ़ लिया अच्छे से डिटेल में, यूट्रस पढ़ लिया है लास्ट क्लास में, यूट्रस हमने कंप्लीट किया था। तो अब आज की क्लास में हम फैलोपियन ट्यूब पढ़ लेते हैं, जिसको अपन ओविडक्ट्स भी कहते हैं। ये हर एक ओवरी से जुड़ी होती है और एक ओपनिंग के द्वारा ये एग को रिसीव करती है, जिसको आप फिम्ब्रिया या सीलिया कहते हैं, जिसमें से एग जो है वो स्विप डाउन होता है यूट्रस की तरफ। तो ओवरी को कनेक्ट करके रखती है यूट्रस से, ओवरी से ये एग को रिसीव करती है एक ओपनिंग के द्वारा, एग इसके अंदर घुसता है एक ओपनिंग के द्वारा, जिसको फिम्ब्रिया सीलिया कहते हैं, और जिसके द्वारा एग जो है वो स्विप डाउन होता है यूट्रस की तरफ, फिसलता हुआ यूट्रस में घुस जाता है। फर्टिलाइजेशन भी इसी पार्ट के अंदर, मतलब फैलोपियन ट्यूब में ही होता है, जब ओव्यूल यहाँ पर आता है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये ओव्यूल 48 घंटे के अंदर अंदर मर जाता है, फिर यूट्रस में जा कर के मेंस्ट्रुअल साइकिल को आगे चलाएगा। तो फर्टिलाइजेशन इसी ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में होता है 48 घंटे के अंदर अंदर। अगर वहाँ पर स्पर्म पहुँच गया, रिसीव कर लिया स्पर्म को एक्सटर्नल इंटरनल जेनिटेलियाज ने, और उसको फैलोपियन ट्यूब तक अगर भेज दिया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी। तो ये यहाँ पर देख लीजिए डायग्राम, ऊपर जो ग्रीन पार्ट दिखाए गए यूट्रस के साइड के अंदर, वो क्या है, फैलोपियन ट्यूब, और आगे उसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को अपन फिम्ब्री कहते हैं। अब फैलोपियन ट्यूब, ये दो फैलोपियन ट्यूब बॉडी में पाई जाती है, जो कि 4 से 5 इंच तक लंबी, या आप कहिए 10 से 13 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। ये यूट्रस के अपर एज से ओवरी तक फैली हुई रहती है, यूट्रस के अपर एज से, फंडस और बॉडी के बीच वाला जो किनारा होता है उस एज से ये फैली हुई रहती है ओवरी तक। फैलोपियन ट्यूब में छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस की लाइनिंग पाई जाती है, जिसको हम सीलिया कहते हैं। टाइनी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस से ये लाइंड रहता है फैलोपियन ट्यूब, जिसको सीलिया कहा जाता है। सीलिया और ट्यूब वॉल में जो मसल्स होती हैं वो ही एग को यूट्रस तक धकेलने का काम करते हैं। सीलिया अपना मूवमेंट करता है, सीलरी मूवमेंट करता है, और ट्यूब वॉल की जो मसल्स होती है वो भी, उसमें भी मूवमेंट चलेगा, जिससे कि एग को प्रोपेल कर दिया जाएगा, धकेल दिया जाएगा। कहाँ पे? डाउनवर्ड धकेल दिया जाएगा। ओवरी से रिसीव किया और फिर सीलरी और मस्कुलर मूवमेंट के द्वारा इसको डाउनवर्ड धकेल दिया थ्रू द ट्यूब टू द यूट्रस। थ्रू द ट्यूब मतलब फैलोपियन ट्यूब के द्वारा यूट्रस तक इसको धकेल दिया जाता है। इसके अलावा मैंने जो पहले पॉइंट बोला कि अगर फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म आ जाता है तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी चलेगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी इसी पार्ट में चलता है। अब ये रिलेशन देख लीजिए भाई फैलोपियन ट्यूब का, एंटीरियरली, पोस्टीरियर, सुपीरियरली, ये पेरिटोनियल कैविटी और इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ रहता है। लेटरली पेल्विस के साइड वॉल से, इन्फीरियरली इसमें ब्रॉड लिगामेंट और ओवरी से ये जुड़ा हुआ रहता है। स्ट्रक्चर मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, वहाँ लिखा हुआ है ब्रॉड, लिखा हुआ क्या, वो जो अपने इसके इंट्रोडक्टरी फर्स्ट क्लास के अंदर जो है डायग्राम बना हुआ है, वहाँ ब्रॉड लिगामेंट शो किया हुआ है उस डायग्राम के अंदर। आप उस डायग्राम को खोल करके देखिएगा, वहाँ एकदम क्लियर आपको ब्रॉड लिगामेंट दिखेगा। तो ये इन्फीरियरली ब्रॉड लिगामेंट से और ओवरी से जुड़ा हुआ रहता है, जबकि मीडियल यूट्रस जो है वो यूटेराइन ट्यूब के बीच में पाया जाता है, यूटेराइन ट्यूब के बीच में। द यूट्रस लाइज बिटवीन द यूटेराइन ट्यूब, मतलब दो यूटेराइन ट्यूब के बीच में क्या पाया जाता है, यूट्रस। तो ये जो ई यूट्राई नहीं है, ये दा वाला ई है जो इधर शिफ्ट हो गया, ऊपर टी एच लिखा हुआ दिख रहा है, ये इसका ई है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको सही कर लीजिएगा। इस तरह की
मिस्टेक्स हो जाती है। तो एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियरली तो ये पेरिटोनियल कैविटी और इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है, लेटरल में पेल्विस की साइड वॉल से जुड़ा होता है, इन्फीरियरली इसमें ब्रॉड लिगामेंट और ओवरी से जुड़ा होता है, मीडियल में दो यूटेराइन ट्यूब के बीच में यूट्रस पाया जाता है। पार्ट्स, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, इसमें इंटेस्टाइनल पोर्शन होता है, इस्थमस होता है, एम्प्यूला होता है, इनफंडिबुलम होता है, इंट्रा म्यूरल पार्ट होता है। ये पांच पार्ट से बना होता है, इंटेस्टाइनल पोर्शन, इस्थमस, एम्प्यूला, इनफंडिबुलम और इंट्रा म्यूरल पार्ट। ब्लड सप्लाई भाई, आर्टरी तो यूटेराइन और ओवेरियन आर्टरी और वीनस ओवेरियन वेन के अंदर ये अपना फ्लूड ड्रेन करता है, अपना ब्लड ड्रेन करता है। लिम्फेटिक में ओवेरियन वेसल के साथ में पैरा एओर्टिक नोड तक लिम्फेटिक ड्रेनेज हो रहा होता है। नर्व सप्लाई यूटेराइन और ओवेरियन नर्व्स इसको सप्लाई करती है, यूटेराइन और ओवेरियन नर्व्स। बस फैलोपियन ट्यूब ख़त्म। इसमें से ये जो पार्ट्स हमने बोले, इसकी लेबलिंग मैंने आपको वही फर्स्ट क्लास के फर्स्ट डायग्राम के अंदर ही इसकी लेबलिंग अच्छे से बताई हुई है। एम्प्यूला वो रीजन होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ये मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको पढ़ा दिया कि एम्प्यूला ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब का वो रीजन है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म और ओवा आपस में फ्यूज होंगे और जाइगोट बनाएंगे और फिर ये जाइगोट जो है वो इसी फेलोपियन ट्यूब के द्वारा यूट्रस में डाउनवर्ड धकेल दिया जाएगा। इसके साथ ही आपका ये फेलोपियन ट्यूब नाम का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब लास्ट पार्ट इंटरनल जेनिटेलिया का, दैट इज ओवेरीज। तो ओवेरीज जो है यूजुअली पर्ल कलर्ड की, मोती जैसे रंग की ऑब्लोंग होती है और वॉलनट के जितना साइज इसका होता है, पर्ल कलर्ड की ऑब्लोंग और वॉलनट जितना साइज। ये यूट्रस से लिगामेंट के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं, लिगामेंट पड़े थे ना दो डंडे जो ओवरी को यूट्रस से जोड़ रहे हैं, वो लिगामेंट्स हैं। इसके साथ में ही ये फीमेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करती है और मेल सेक्स हार्मोन्स टू प्रोड्यूसिंग, इन एडिशन टू प्रोड्यूसिंग वे फीमेल सेक्स हार्मोन्स एंड मेल सेक्स हार्मोन्स। फीमेल सेक्स हार्मोन्स कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और मेल सेक्स हार्मोन का नाम क्यों लिया, ये आगे इसकी फिजियोलॉजी के अंदर अपन पढ़ेंगे। ओवरीज जो होती है एग को भी प्रोड्यूस करती है और उसको रिलीज भी करती है, ओवरी में ही एग प्रोड्यूस होता है, वहाँ से वो रिलीज हो जाता है। तो हार्मोन्स और एग का प्रोडक्शन इसका मेन रोल है, ओवरी का मेन फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन एंड एग्स, एंड ऑल्सो इट दिस पार्ट रिलीज द एग ऑल्सो। इसके अलावा ये जो डेवलपिंग एग सेल्स होती है जिसको अपन ऊसाइट्स कहते हैं, ये फ्लूड फिल्ड कैविटी के अंदर पाई जाती हैं जिसको अपन फॉलिकल्स कहते हैं। एग सेल कहाँ होती है, फॉलिकल्स के अंदर रहती है, ऊसाइट्स फॉलिकल्स में रहती हैं। ऊसाइट्स क्या है, डेवलपिंग एग सेल्स होती हैं और फॉलिकल्स क्या होते हैं, फ्लूड फिल्ड कैविटी को आप फॉलिकल्स कहते हैं जो कि ओवरी की वॉल में चिपकी हुई रहती है, वॉल से चिपकी हुई रहती है, ओवरी के अंदर रहती है उसकी वॉल से चिपकी हुई है, बीज में भरी हुई रहती है, खूब सारे फॉलिकल्स भरे हुए रहते हैं और इन फॉलिकल से ये ऊसाइट जो है वो रिलीज होते हैं। ईच फॉलिकल कंटेन्स वन ऊसाइट, तो खूब सारे मैनी फॉलिकल्स पाए जाते हैं और हर एक फॉलिकल के अंदर क्या पाया जाता है, ऊसाइट पाया जाता है। ऊसाइट क्या चीज़ है, एग सेल है। ये ओवरी बताई गई है येलो कलर से पार्ट, जो किससे जुड़ी हुई है, ये यूट्रस के साइड में ओविडक्ट की फिम्ब्री से ये जुड़ी हुई है। रिलेशंस देख लीजिए भाई इसका, ब्रॉड लिगामेंट्स ओवरी के एंटीरियर पार्ट से जुड़ा होता है और इंटेस्टाइन ओवरी के पोस्टर पार्ट से, एंटीरियर पार्ट में ब्रॉड लिगामेंट, पोस्टर पार्ट में इंटेस्टाइन और ओवरी के लेटरल साइड में इनफंडिबुलो पैल्विक लिगामेंट और पैल्विस की साइड वॉल होती है। लेटरली ओवरी में इनफंडिबुलो पैल्विक लिगामेंट्स और पैल्विस की साइड वॉल्स होती है। ओवरी के सुपीरियर में यूटेराइन ट्यूब और इन्फीरियर में ओवेरियन लिगामेंट्स पाए जाते हैं, सुपीरियरली यूटेराइन ट्यूब और इन्फीरियरली ओवेरियन लिगामेंट्स। स्ट्रक्चर देखें भाई, ओवरी के दो पार्ट्स होते हैं, मेड्यूला और कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स आउटसाइड का पार्ट और मेड्यूला सेंटर का पार्ट होता है। मेड्यूला सपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है जो कि फाइबरस टिश्यू से मिलकर के बना होता है। मेड्यूला सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, फाइबरस टिश्यू का बना होता है, इसके अंदर
ओवेरियन ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स और नर्व जो है इसी रास्ते से ट्रैवल होती है। ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स और नर्व ट्रैवल्स इसी रास्ते से होती है। कॉर्टेक्स ओवम का फंक्शनल पार्ट होता है। मेड्यूला तो आर्टरी वगैरह को रख रही है, ब्लड वेसल्स को रख रही है, नर्व और लिम्फेटिक को रख रही है, जबकि इसका ओवरी का फंक्शनल पार्ट होता है कॉर्टेक्स, जिसमें खूब सारे, ये ओवम मत लिखिएगा भाई, ओवरी लिख दीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा, ये वर्ड ओवम नहीं है, यहाँ पर ओवरी है। और इस कॉर्टेक्स के अंदर खूब सारे ओवेरियन फॉलिकल्स पाए जाते हैं अलग अलग स्टेजेस के, अलग अलग स्टेजेस के क्यों, कुछ एकदम नए छोटे बने हुए हैं, प्राइमरी ओसाइट रख रहे होते हैं, कुछ थोड़े से डेवलप हो जाते हैं, कुछ मैच्योर हो जाते हैं और कई पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स, मतलब ओवेरियन फॉलिकल्स के अलग अलग स्टेजेस इस ओवरी के कॉर्टेक्स पार्ट में देखी जा सकती हैं। अब ब्लड सप्लाई ओवेरियन और एब्डोमिनल एओर्टा जो है वो तो आर्टरियल सप्लाई करती है ओवरी तक, वीनस में ओवेरियन वेन में ब्लड जो है वो ड्रेन होता है, वीनस ब्लड ओवेरियन वेन में ड्रेन हो रहा है। लिम्फेटिक में ओवेरियन वेसल से अलोंग द ओवेरियन वेसल्स टू पैरा एओर्टिक नोड्स, ओवेरियन वेसल से पैरा एओर्टिक नोड तो लिम्फेटिक ड्रेनेज करवाती है। नर्व सप्लाई ओवेरियन नर्व जो है T10 सेगमेंट से आ रही होती है, नर्व सप्लाई कैसी है T10 सेगमेंट से ओवेरियन नर्व्स आ रही होती हैं, ये नर्व सप्लाई है। तो बस इसके साथ में ये ओवरी का पार्ट भी कंप्लीट हो गया, अपन ने सब चीज़ें पढ़ ली, इसके अंदर फंक्शंस भी पढ़ लिए हमने, इसकी स्ट्रक्चर भी पढ़ ली अच्छे से, शेप साइज सब कुछ पढ़ लिया, कलर वगैरह सब कुछ हमने देख लिया है। तो फेलोपियन ट्यूब और ओवरी कंप्लीट, मतलब इसका मतलब क्या है कि इंटरनल जिनाइटेलिया जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। बच्चों इसके साथ ही आप लोग भी जो है अपनी बुक से इन चीज़ों को पढ़ते रहें, ऐसा नहीं है कि मैंने जितना पढ़ा दिया सिर्फ उतना सा ही आप पढ़ें, आप एक्स्ट्रा में पढ़ें, डिटेल में पढ़ें, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम अपनी आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म करते हैं, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए।